नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पाठक। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूरे यूनिफॉर्म में हूं। मैं जा रहा हूं एक बड़े से पौधशाला में, वहां से कुछ पौधे लेके आऊंगा अपनी नर्सरी के लिए। तो ये हमारा पौधशाला लोकेटेड है खलीलाबाद, जिसका नाम इस वक्त संत कबीर नगर है। वहां पर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपनी नर्सरी खोल के रखी है। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो कुछ पौधे आज हमको देंगे, और ख़ासतौर से वो सारे पौधे अपने कोलकाता से मंगाते हैं। तो इंडिया में ये कंसिडर किया जाता है कि जो पौधे कोलकाता से मंगाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और गारंटीड होते हैं। तो इसीलिए आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अपने पौधशाले के लिए कुछ पौधे लेकर आऊँगा। ख़ासतौर से आम के पौधों का बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे गाँव में, तो आम पर ही मेरा, मैंगो पर ही पूरा फोकस होगा आज। तो चलिए आगे रास्ते में हम आपको सफ़र कराते हुए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि हम किस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ वो रास्ता कि जिस रास्ते से हम लोग खलीलाबाद की तरफ जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ बहुत ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़ी हरियाली है और रास्ता भी काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा है। तो आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका आनंद भी उठाएंगे। तो आइए चलते हैं। गेट खोल रहे हैं, गेट खुल गया है। गाड़ी जो है काफ़ी दिन से चली नहीं है इसीलिए। तो भैया अभी बाहर जा रहे हैं, फिर हम पीछे से गेट बंद करके आगे आएंगे। तो अभी हम अकेले गेट बंद कर रहे हैं। बंद हो गया तो गेट बंद हो गया, थोड़ा सा खुला रहेगा। तो हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, अभी जा रहे हैं अपने दुकान के पास। विजय हैं, विजय को रिसीव करेंगे, उनका भी थोड़ा काम है खलीलाबाद में। चलना है आपको? तो हमारे यहाँ केले का पेड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ केले का खेती बहुत ही बढ़िया करते हैं। ये छोटा केरल बन गया है। क्या हरियाली है देखिए। ये जो आप तालाब देख रहे हैं इसे बोलते हैं कल्हैया। बिकरायल मोड़ है, ये बड़ा बचा के चलना है। गांव के सड़क छोटे होते हैं, वहाँ तक नहीं जाए। देखा, ये हम लोग का बॉर्डर है, इधर पीछे गोरखपुर जिला और ये संत कबीर नगर। फलदार पेड़ लगा दीजिए। ये ईंट के भट्टे हैं यहाँ पे। मैंने पढ़ाई किया है 9वीं और 10वीं। तो अभी चलना है संतोष किराना स्टोर, कुछ सामान है किराने का दुकान का, तो सामान थोड़ा लेंगे वहाँ से, फिर उसके बाद चलेंगे खलीलाबाद। तो ये रहा दुकान संतोष जी का, काफ़ी बड़ा दुकान है किराना स्टोर। तो सामान हम ले चुके हैं कितने का, बाकी जो सामान है सेठ जी को लिस्ट दे दिए हैं, उधर भी आगे लेते हैं। हैं हमारे सेठ जी, काफ़ी अच्छे सेठ जी हैं, उनका बहुत ही अच्छा विचार है। और ये पास में दुकान है यहाँ संत कबीर नगर मैदावल में, तो आप लोग आइए यहाँ पे सामान लीजिए, बहुत ही उचित रेट में सामान मिलता है यहाँ पे।
तो हम लोग मैदा वाला आ गए। ये रहा सामुदायिक केंद्र सरकारी अस्पताल। ये रास्ता जाएगा खलीलाबाद के लिए। ये ऑटो स्टैंड। ये देखिए काफ़ी पुराना पुल, और इधर बगल में न्यू वाला पुल शायद बन रहा है, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। इरा जेल, काफ़ी बड़ा जेल संत कबीर नगर का। हाँ, यहाँ काफ़ी खूंखार कैदी इसमें जेल में रहते हैं। ये काल यहाँ सारे ऑफिसरों का बना हुआ रहने के लिए का नर्सरी। काफ़ी बढ़िया खोला है मेन रोड पे, और ये खलीलाबाद मैदान रोड पे है। ये इधर आप लोग देखिए, कस्टमर आया अभी भाई की दुकान पे और पौधा ले रहे हैं। वो देखिए भैया, और ये जो विपिन है इससे बातचीत कर रहे हैं। मेरा कैमरा पत्नी क्यों हिल रहा है ज़्यादा? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्या? तो ये रहा विपिन मणि त्रिपाठी जी का नर्सरी, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन पे खुला हुआ है और बढ़िया काम कर रहा है भाई। खुल दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग देख रहे हैं बारिश स्टार्ट हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी धूप भी निकला हुआ है लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और ये था विपिन का एक बहुत ही बढ़िया नर्सरी, छोटा सा क्यूट सा नर्सरी। अभी बंदा 2 साल से लगा हुआ है, काम अच्छा कर रहा है। जितने भी लोकल यहाँ के हैं खलीलाबाद के लोग ये गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं, जाके काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। पीछे भैया आ रहे हैं। फैमिली रेस्टोरेंट है। देखा तुम घर रहे? अरे मने 4-4 किलोमीटर चल के आ रहा है, क्वालिटी सामान। तो आके कुछ वीडियो में बोले को बोला कि हम लोग गए थे वही हम देखा पहले। तो हम लोग आगे बहुत ही सुंदर जगह पे कुछ खाने के लिए। तो आ गए हैं फिलहाल मेडिकल स्टोर पे, थोड़ा दवा लेना है लोगों का।
अंकल जी दवा निकाल रहे हैं, गए अंदर दवा निकालने के लिए, अभी दवा लेके फिर जाते हैं यहाँ से। फाइनली दवा ले चुके हैं, ये रहा दवा, अब फिर चल रहे हैं घर के लिए। ये रहा चाट, बहुत ही बढ़िया चाट। ये देखिए अपने लखनऊ चाट कार्नर, बहुत ही अच्छा चाट बनाते हैं। अभी हम लोग खा के आए वहाँ से, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। जब भी आप मैदावल आइए तो यहाँ पे रुक के एक बार ज़रूर लखनऊ चाट कार्नर के वहाँ जाके चाट खाइए आप लोग। अस्पताल के बगल में ही बनाते हैं। भाई दरवाज़ा खोलिए, ये वाला रास्ता निकल जाता है बस्ती की तरफ। तो दुकान का सामान ले लिया हूँ, अभी दुकान से निकल रहा हूँ बाहर सामान लेके। तो संतोष किराना स्टोर से सामान तो हमने ले लिया, लेकिन शाम हो गया, वो सामान निकाला नहीं, पर्ची लेके रख दिया था। बताइए आप लोग, जिससे चार पैसा कमाना है, कस्टमर का वैल्यू ही नहीं समझ रहा है दुकानदार अभी इनको। लेकिन कोई बात नहीं, भीड़ ज़्यादा होने के कारण शायद भूल गया होगा।